बाल सुधार गृह राजरूपुर से रिहा होकर जब माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे अहजम और आबान पहुंचे तो हटवा इलाके में अतीक के समर्थकों ने जश्न मनाकर दोनों का स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इलाके में अतीक के समर्थकों का लंबा काफिला दिखाई दिया। वहीं इस काफिले में पुलिस की जीप भी शामिल दिखी। इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें माफिया के बेटों को रिहाई में जश्न मनाते दिखाया जा रहा है। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई लिख रहा शेर इज बैक, हिंदी फिल्म का गाना सुल्तान जैसे गानों पर लोगों ने रील बनाया है। वीडियो पर लिखा हुआ है शेर हिंद वापस आ गया। काफिले में दो पहिया वाहन भी भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। वीडियो को देख तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। अहजम और आबान के हटवा इलाके में पहुंचते ही वाहनों का लंबा काफिला दिखाई दिया। अतीक के बच्चे जिस कार में चल रहे थे उसके पीछे पुलिस की जीप भी वायरल वीडियो में नजर आ रही है। ये काफिला बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा था जैसे कि माफिया अतीक जब निकलता था। बाल सुधार गृह से 7 माह बाद अतीक अहमद के बच्चों के रिहा किए जाने की खुशी में उनके करीबियों ने हटवा गांव की सड़कों पर पटाखे छोड़े और जश्न मनाया। इस काफिले में लोग घोड़े भी दौड़ाते नजर आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद जिस गद्दी बिरादरी से आता है उसमें घुड़सवारी शौक होता है। माफिया अतीक अहमद भी कई मौकों पर घुड़सवारी किया करता था। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सोमवार की शाम को CWC के आदेश के बाद अतीक के दोनों छोटे बेटों को बाल संरक्षण गृह से रिहा कर दिया गया था और दोनों की कस्टडी अतीक की बहन शाहीन को सौंपी गई है। उसने दोनों बच्चों की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को हत्या हो चुकी है। तो वहीं उमेश हत्याकांड मामले में अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, उसकी देवरानी और अतीक की एक बहन फरार चल रही है। पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी है। इसी साल फरवरी में उमेश पाल की हत्या की गई थी। वह बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के अहम गवाह थे। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी ने अतीक अहमद के पूरे परिवार पर नामजद मुकदमा लिखवाया था। We'll be right back.